नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। फटाफट खबरों पर एक नजर डालेंगे। भारतीय पीटरसीन सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, हमारा देश विविधताओं से भरा है और विविधता के बीच भी देश में एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। महोबा के अर्जुन बांध पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अर्जुन सहायक परियोजना का लिया जायजा। पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी रहे मौके पर मौजूद। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। लखनऊ के हनुमान सेतु में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में होने वाले उत्तराखंड महोत्सव में करेंगे शिरकत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी। प्रदूषण पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रदूषण पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में। विपक्ष के 4 MLC ने बीजेपी ज्वाइन की। MLC रविशंकर पप्पू और MLC CP चंद्र समेत नरेंद्र भाटी ने की बीजेपी ज्वाइन। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कराई बीजेपी में एंट्री। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म उत्सव पर झांसी में जलसा। जयंती के मौके पर आयोजित हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम। सेना के जवानों ने किया हैरत अंगेज प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण पर एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, आप लोग कोई ठोस बात नहीं करते। वायु प्रदूषण को लेकर प्राधिकरण हुआ सख्त। 4 दिनों तक शहर में निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक। RMC हॉट मिक्स प्लांट डीजल जनरेटर पर भी लगी रोक। ACEO ने अफसरों के साथ मिलकर लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड से हमला। हमले में CRPF के 2 जवान और 2 नागरिक घायल। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे इलाके में चेकिंग जारी। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले आए सामने। 24 घंटे में 301 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 1,28,000 के पार। फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।